अपनी पसंदीदा एक्शन मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। Smoking causes cancer. Smoking kills. Liquor drinking is injurious to health. ये फिल्म पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ये अलौकिक मान्यताएं या प्रथाओं का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करती है। लगता है भाग गए वो। क्या यार, अगर थोड़ी देर पहले आ गए होते तो उसे जरूर पकड़ लेते। कोई बात नहीं, हमारा जो टारगेट था हमने पूरा कर लिया। चलो हाँ।
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन. थैंक यू सर. सर, आपने हमें यहां किस लिए बुलाया है? आपके भाई साहब के खून के सिलसिले में कुछ लोगों ने सरेंडर किया है. सर, कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में? यहीं पर. सर, वो कौन है ये मैं देख सकता हूँ? जरूर, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बातें पूछनी. हाँ, पूछिए ना सर. आपके भाई ने रियल एस्टेट में और शेयर मार्केट में काफी पैसा कमाया था. उनकी मौत की वजह वही है, वही पैसा. सर, मेरे भैया बड़े ही मासूम थे. वेरी गुड कैरेक्टर. वो एक बच्चे की तरह थे. उनके जो बिजनेस पार्टनर्स थे वो बड़े धोखेबाज थे. उन्होंने ही कहा कि वो सारा बिजनेस अच्छी तरह संभाल लेंगे, लेकिन आखिर में वही हुआ. उन्होंने ही भैया को धोखा दिया. डोंट वरी, मुझे सब पता है. रिलैक्स. आपके भाई के मर्डर में जितने लोग भी शामिल हैं उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी. चलिए मेरे साथ चलिए. उठो, खड़े हो जाओ. आपने इन लोगों को पहले कभी देखा है? नहीं सर, इन दोनों को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा. पर ये तो कहते हैं कि खून इन्होंने ही किया है. सर, क्या ये दीदी और उनके बच्चों के बारे में जानते हैं? ए कांस्टेबल. जी सर. उनको लेकर आओ. ए बाहर चल. चल चल. ए, तुमने दामोदर का खून तो किया, लेकिन उनकी वाइफ और बच्चे के साथ क्या किया? हमने सिर्फ मारने की सुपारी ली थी, बाकी हमें कुछ पता नहीं. सच बताओ. सर, मैं सच बोल रहा हूँ. ए, ले जाओ इन्हें. ए, चल. मेरा विश्वास कीजिए सर. बहुत पूछताछ की है, लेकिन हर बार यही जवाब मिला है. पर चिंता मत कीजिए, जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढ कर आपके पास ले आएंगे. सर, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये खूनी तो हरगिज नहीं हो सकते. मानता हूँ, पर इन्होंने खुद सरेंडर किया है. सर प्लीज, अगर आप उनके खूनी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे तभी हमें चैन मिलेगा. प्लीज सर, कुछ कीजिए. प्लीज सर. सब कुछ खत्म हो गया बेटा. माँ, रो मत माँ. माँ, वहां कोई है. डर मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ.
सर, पक्का ये वही बच्चे हैं जिन्हें हम लोग ढूंढ रहे हैं। यस। बोलिए माँ जी। इंस्पेक्टर, इसके भाई को लड़की देकर हम बहुत पछता रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। मैं आपसे विनती करती हूँ कि बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए। देखिए मैडम, मेरे भाई के साथ ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आप बार बार ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि इन बातों से मुझे बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कौन किसे तकलीफ दे रहा है? तुम्हारे भाई को मेरी बेटी देकर मैं पहले से ही पछता चुकी हूँ। बच्चों को तुम्हारे हवाले किया तो मैं उनकी मौत अब नहीं देख सकती हूँ। शट अप, यू शट अप। तुम बीच में मत बोलो, ज्यादा बकवास की तो एक लगा दूंगी। स्टॉप इट। क्या झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना? इंस्पेक्टर, आप तो सब कुछ जानते हैं ना। अगर ये बच्चा हमारे साथ रहेगा तो उसके फ्यूचर के लिए और उसकी सेहत के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, रहेगा। इंस्पेक्टर, अगर उन बच्चों को मेरे हवाले नहीं किया तो पुलिस स्टेशन के बाहर जहर खाकर मर जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, हमें भी वो बच्चे चाहिए। बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, समझी आप? अरे तो फिर से बीच में बोली? आप लोग शांत हो जाइए। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन बच्चे इन्हीं के पास सेफ रहेंगे, क्योंकि बच्चे इतने साल उस घर में रहने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बच्चों को इनके पास ही रखना चाहिए। इसका मतलब आप बच्चों को मेरे पास नहीं देंगे? देखिए मैडम, वो बच्चे हम आपको नहीं सौंप सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो उनसे मिल जरूर सकती है। इसके लिए 2 या 3 महीने में बच्चों से जाकर मिलने का आपको पूरा अधिकार है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब बच्चे मुझे नहीं मिलेंगे, आप उन्हें मेरे साथ नहीं भेजेंगे। समझ गई, मैं अच्छी तरह से समझ गई कि आपका और इन लोगों का कुछ संबंध है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को देख लूंगी। अब आप देखना कि मैं क्या करती हूँ। ये औरत पागल हो गई है, कुछ भी कहती रहती है। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। कल ही मैं उन बच्चों को आपको सौंप दूंगा। अब तो आप खुश है ना? थैंक यू सो मच सर। ये बच्चों के रिश्तेदार हैं, बच्चे इनके हवाले करने हैं। ये उन बच्चों की चाची है। हाय डॉक्टर, अब बच्चे कैसे हैं? अब वो बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर क्या हम बच्चों को घर लेकर जा सकते हैं? आप बिल्कुल ले जा सकती हैं। कल ही उनकी ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है। आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 5 सालों से ये दोनों बच्चे अकेले थे और अब इंसानों के बीच रहेंगे। अगर इनके अंदर कुछ भी बदलाव नजर आता है तो आप तुरंत मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए बच्चों के पास चलते हैं। जी चलिए। हाय निशा। हेलो सर। हेलो इंस्पेक्टर। मैं ठीक हूँ। हेलो सर, सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। चलिए बच्चों के पास चलते हैं। चलिए। आकाश आने वाला था, अभी तक आया नहीं वो। दरअसल डॉक्टर, कुछ जरूरी काम से वो ऑफिस गए हैं। हाँ। और उन्होंने ही बच्चों को पिकअप करने के लिए कहा, इसलिए मैं आ गई। ओ ठीक है ठीक है। चलिए डॉक्टर, बच्चों से मिलते हैं। No problem. दोनों बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं। इतने सालों से अकेले रह रहे थे, इसलिए इन्हें घबराहट हो रही है। उस लड़के को थोड़ा कम दिखता है, ये उसे पहना दीजिएगा। आप चाहें तो जाकर उनसे मिल सकती हैं। जाइए। जाओ मिल लो।
अभी अभी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हालत हो गई है? अंदर आओ ना। अंदर चलो। आओ। हमारा घर था, लेकिन आज से ये तुम्हारा घर भी है। इस घर में तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहे वो ले सकते हो, वो भी बिना संकोच किए। समझ गए ना? अरे कुछ नहीं करूंगा। ओके आकाश। हा? बच्चों को लेकर नीचे आना। चलो आ जाओ, आओ बैठो, यहां बैठो। और तुम यहां बैठ जाओ। क्या खाओगे? चॉकलेट्स, आइसक्रीम, केक्स, कुछ भी नहीं खाओगे? अच्छा एप्पल खाओगे?
हेलो। जो चाहे वो ले लो। हाँ सर, आने वाले 10 दिनों में मैं दिल्ली आ जाऊंगा। हाँ सर, फिक्र मत कीजिए, आपका प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा। सर अब तक उस फाइल पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं। हाँ सर, और 10 दिन तो आराम से लग जाएंगे। जैसे ही खत्म होता है मैं दिल्ली आ जाऊंगा सर। बाय सर। ओके, अभी एप्पल कभी इस तरह से नहीं खाया जाता। मैं तुम्हें काट कर देता हूं। ये लो खाओ ना। अब ठीक है। खिलौना है लेकिन उससे तुम खेल नहीं सकते। मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने लाके दूंगा, छोटे छोटे खिलौने, ठीक है ना। अच्छे से सो जाना, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।
अभी यहाँ आओ। इसका क्या नाम है? इसे किस नाम से बुलाते हो? नाम रखा ही नहीं। ठीक है, मैं ही एक अच्छा सा नाम देती हूँ। हाँ? तुम्हारा नाम है अभी। अ भी, सिर्फ दो अक्षर। वैसे ही इसके भी दो ही अक्षर। वी नू, विनू। कैसा लगा? हाँ, क्या सही वक्त पर बेल बजी है। मैं देखती हूँ कौन है। आज से इसका नाम विनू है। ओके, विनू विनू विनू। क्या हुआ, डर गई ना? तुम डर गई, सच में डर गई। इतनी बड़ी होकर डरती हो। बस भी करो। अच्छा बताओ ये क्या है? अच्छा वो सब छोड़ो, क्या यही तुम्हारा सस्पेंस है? मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दोगी क्या? पहले बताओ ये कौन है? क्या ये विनू है? और क्या? ये भी। किसने नाम रखा? मैंने ही। बहुत अच्छा है। थैंक यू। विनू, विनू, ये लो तुम्हारे लिए। पागल हो क्या? पागल हो क्या? तुम ही पागल हो, तुम ही पागल हो। मुझे तो ये खिलौना नहीं चाहिए। अरे जा जा धोखेबाज कहीं के। हे, ये खिलौना ऐसे कैसे बोल सकता है? वो मेरे मन की बात थी। अभी मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी जिसमें बच्चों का घर छीन जाता है, क्या उन बच्चों को उनका घर वापस मिल जाता है? उनको उनका घर जल्दी ही मिल जाएगा, और जिस दिन उनका घर उन्हें मिल जाएगा उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। वैसे ही जिस दिन तुम्हारी मुसीबतें खत्म होंगी उस दिन तुम्हें भी तुम्हारा घर मिल जाएगा। अभी मुझे बताने में हिचकिचाना मत, तुम्हारी ही तरह बचपन में मैंने भी बहुत मुसीबतें देखी हैं, और तब मुझे एक बात समझ में आई, हमारे ऊपर जब भी तकलीफ आती है उस समय हमारा विश्वास ही साथ देता है, और इसीलिए मैं जब भी किसी की तकलीफ देखता हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं आज तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही अकेला रहने दूंगा। जिस तरह वो घर आज तक तुम्हें बचाते आया है, तुम्हारी हिफाजत करते आया है, उसी तरह मैं भी तुम्हें अपने साथ रखूंगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अभी तुम उस वक्त गुम गए थे जब तुम नासमझ थे, लेकिन आज तुम बड़े भी हो गए हो और समझदार भी। उस घर में पिछले 5 साल से तुम बहुत तकलीफ में थे, वैसी तकलीफ तुम्हें जिंदगी में फिर कभी ना आए, इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। इस पहेली को सुलझाना चाहते हो तो मेरे सवालों को ध्यान से सुनो और सही सही जवाब दो। पिछले 5 साल तुमने कैसे गुजारे? किसके साथ रहे तुम? और तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोलो, बोलो ना। मैं, माँ, पापा कार में जा रहे थे। मेरी माँ ने कहा, अरे पापा आप नहीं रहे बेटा।
सर आइए ना बैठिए। हाँ, कोई बात नहीं, बैठिए ना सर। और बताओ सर, अभी ने कुछ कहा क्या? अभी ने जो कुछ भी बताया उसके बताने के हिसाब से उस पुराने घर में 5 सालों से उस हालत में जिंदा रहना, इट्स अ मिरेकल। डॉक्टर आपने बिल्कुल सच कहा। एनीवेज अभी और वीनू 5 सालों से इस हालत में जिंदा रहे, इसका क्या राज है? मैं उसकी पूरी इंक्वायरी करके उसकी सच्चाई जानूंगा और जल्दी ही तुम लोगों को भी उसके बारे में बताऊंगा। सर हमें आप पर पूरा विश्वास है। डोंट वरी, मैं हूं ना। बच्चे कहाँ हैं? अभी बेटा कैसे हो तुम? गुड़िया कैसी हो तुम? मेरे साथ रहेंगे तो बच्चे अच्छे रहेंगे कहा था आप, क्या हुआ रे? हाँ बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यहाँ पर तो कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम इन बच्चों को अच्छे से नहीं देख रही हो। अच्छे से तो देख रही हूँ और क्या? अच्छे से देख रही हो? अरे जरा अपने आप को देखो, किस तरह खा खा कर सांड बनती जा रही हो तुम। अरे खुद तो दूध पी रही हो और बच्चों को कुछ भी नहीं खिला रही हो। बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं। जरा इसके बाल देखो कैसे सूख गए हैं, तेल तक नहीं डाला है। जरा चेहरा देखो, इसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये खेलने कूदने वाले बच्चे हैं। इसे देखो ये पत्ते खेल रहा है। अरे ये बच्चों के खेलने की चीज है क्या? बच्चों को किस तरह से रखा जाता है पता है? मैं आपकी बात अच्छे से समझ रही हूँ। क्या समझ रही है रे तू? ऐसे ही कोई बहाना बनाकर बच्चों को मुझसे छीनना चाहती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा और ऐसा जरूर होगा। आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर से कहिए, लेकिन मुझसे बात करते वक्त जो भी बात करनी है वो सोच समझ कर कीजिए। अरे सुन, मुझे बच्चों से मिलने का पूरा अधिकार है। मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। आइंदा जब कभी बच्चों को देखना हो तो पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल साथ में लाना। आउट। अभी यहाँ सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन देखना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगले हफ्ते में तुम लोगों को लेकर जाऊंगी। मैं तुझे दिखा दूंगी, अच्छे से दिखा दूंगी। ओफो, सर दर्द है ये।
ही क्या है सर, घर तो पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। किसी भी खाली घर में 5 सालों तक 2 बच्चे रह सकते हैं। वही बात मैं भी सोच रहा हूँ कि बच्चों ने 5 साल तक यहाँ कैसे सर्वाइव किया होगा। वही तो, इसी पहेली का तो जवाब ढूंढना है मुझे कि ये हुआ कैसे। क्या आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। वो तो अभी मैं भी नहीं समझा सकता, वही तो सस्पेंस है। सारे सस्पेंस मेरे लिए ही है क्या? सर, नीचे पूरा घर देखकर और मुझे सस्पेंस में रखकर आप यहां ऊपर किस लिए आए हैं? व्हाट इज द मैटर सर? इसमें एक राज छुपा है। राज छुपा है? कैसा राज? पूरे घर की तलाशी लेने के बाद मुझे एक सबूत हाथ लगा है। सबूत लगा है? हाँ। कैसा सबूत सर? जिस राज की तलाश में आया हूं उसकी कड़ी हाथ लग गई है। मतलब क्या है? जवाब 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 मिल गया है। जवाब मतलब आप इस जगह पर कुछ ढूंढने आए थे क्या? हाँ भाई। तो फिर सवाल कौन से हैं? इस राज का सवाल तुम्हारे घर में है। मेरे घर में सर? हाँ। मैं अब तक कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। अभी नहीं समझोगे, बाद में समझ जाओगे। हाय निशा। जिस काम के लिए गए थे क्या हुआ? बताता हूँ, रुको। तो देखो मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना तो खा लूँ। स्नैक्स या फ्रूट क्या खाओगे? हे, मुझे नाश्ता नहीं खाना चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे खाना परोस कर दो। अब तो बताओ। कार में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जयराज सर। लग रहा है जैसे कि मैं कोई भूत की फिल्म देख रही हूं। पर एक बात जानती हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूत को देख कर आ रहा हूं। हे, मुझे भी साथ ले जाओ ना। हे, वो कोई ताजमहल है क्या जो मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊं? तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? एक बात बताऊं, वो घर ना भूत बंगला है, लेकिन वहां भूत नहीं है। और ये घर भूत बंगला तो नहीं है, लेकिन यहां पर भूत है। कौन है? कहाँ है? वही जिसने अभी अभी मुझे खाना दिया। तुम भी ना। कुछ भी। तुम्हें भूख लगी है ना? तुम खाओ, मैं जाकर देखती हूँ।
किसके साथ खेल रही हो बेटा? हे अभी, ये किसके साथ खेल रही है? चाची, क्या अभी? उस कबर्ड को मत खोलिए। क्यों? ऐसे ही। निशा डार्लिंग, ब्रीफकेस में सब डाल कर तो रख दिया है ना? चार्जर रख दिया, टिकट्स भी रख दिए। मैंने कितनी बार तुम्हारी पैकिंग्स की है, मुझे इतना भी नहीं पता क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें पता नहीं? हे, दिल्ली जाकर वापस कब आओगे? मैडम का मूड देखकर ऐसा लगता है कि आज फ्लाइट मिस करनी चाहिए। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी और ना ही तुम्हारी फ्लाइट मिस होने दूंगी। तो फिर तुमने शुरू किस लिए किया? मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने शुरू किया। अगर ऐसी बात है तो मेरा जाने का मूड बिल्कुल नहीं होगा। चलो हटो, मुझसे नहीं होगा, जल्दी जाओ वरना फ्लाइट छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, दिल्ली जाकर अपना काम खत्म करके जितना हो सके उतना जल्दी आना। ये बताने की जरूरत नहीं। तो हर रोज रात को मैं फोन करके मुझे क्या चाहिए वो बताती रहूंगी। दिल्ली पहुँचते ही मैं फोन कर दूंगा, पर फिलहाल के लिए हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। 10 साल पहले हाँ चिंतामणि नाम की लड़की का मर्डर केस पूरे शहर में चर्चित था। उस मर्डर केस की तहकीकात आप कर रहे थे। हाँ, उसकी डिटेल्स जानने के लिए ही मैं आया हूँ। उस लड़की का मर्डर कैसे हुआ था? फोन है क्या? दो। अभी तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें सारी जानकारी है, मुझे अच्छी तरह पता है, पर तुम कुछ बता नहीं रहे। तुम्हें बताना होगा, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। उन 5 सालों में क्या सही क्या गलत हुआ यह मुझे पता नहीं, पर तुमने यदि वो बता दिया तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, और नहीं तो वो तुम्हें तबाह कर देगी। वो क्या है तुम जानना चाहते हो?
जिस शैतान को तुम अपनी मां कहकर बुलाते हो, वही। एक बात समझ लो, वो तुम्हारी मां नहीं है, वो प्रेत है। तुम ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। उसका नाम है चिंतामणि। वो एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है। अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए वो तुम्हारा फायदा उठा रही है और तुम्हें इसका पता नहीं है। बोलो कहाँ है वो? अभी तुम्हारे पास ही है ना, कहाँ है वो बताओ। अभी मुझे नहीं पता। सच सच बताओ, बताओ। वो यही है। क्या तुम सच कह रहे हो? आपका मुझ पर चिल्लाना धमकाना वो सब सुन रही है। अब बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाइए। क्या हुआ सर? कुछ आवाज आई थी। कुछ नहीं बेटी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी के विषय में बाकी बातें कल सुबह आकर कर लूंगा। अपना ख्याल रखना बेटी, कल सुबह मैं आता हूं। फिल्म देखने चले? आज? आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं जा सकते? आज नहीं बेटा, क्योंकि अभी भूत की फिल्म चल रही है, तुम सब डर जाओगे। कल चलते हैं, कल कॉमेडी फिल्म रिलीज होगी, ठीक है? विनु, तुम वहां देखकर हंस क्यों रही हो? हे अभी, वो वहां देखकर बार बार हंस क्यों रही है? प-
पता नहीं। ठीक है, टाइम हो चुका है, मैं जाकर बिस्तर लगाती हूँ, दूध पीकर आ जाना। डर गई ना? हे, हे, निशा, अरे क्या हुआ? हे, क्या हुआ? It's me. हे, हे, शांत हो जाओ। चलो, I'm sorry. आओ। Sorry, darling. खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हमारे ग्राम देवता हैं सर, आप जो भी मांगेंगे आपकी इच्छा पूरी कर देंगे।
ये छोटे बच्चे की खोपड़ी लग रही है। पता है सर, मैं जिस मकसद से आया था यहाँ आने के बाद वो पूरा हो गया। बहुत अच्छे सर, इसका पूरा श्रेय आपको जाता है, मुझे नहीं। सर, इस काम में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, जिन डॉक्यूमेंट्स पर साइन चाहिए थे वो आपको मेल कर दिए हैं। जी हाँ, हाँ बिल्कुल सर, बाय। हेलो हेलो निशा, हेलो सारी गम पधनी सा निशा निशा, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? ए क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ, तुमने गुस्सा दिलाया है। मैंने क्या किया है? तुम्हारा ध्यान मुझ पर बिल्कुल नहीं है, जब देखो तब बच्चे बच्चे बच्चे। मैं इस घर में हूँ या नहीं? ओ अच्छा, तो इस बात पर गुस्सा हो, वो तो मासूम बच्चे हैं। और मैं कौन हूँ? तुम मेरी सबसे मासूम बच्ची हो। कोई नहीं है यहाँ, तो मेरा ही चेहरा मुझे दिख रहा है। मैंने देखा था, वहां कोई था।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने आने को कहा था। हाँ, एक केस के बारे में आपसे बात करनी थी। किस केस के बारे में सर? एक माँ के मरने के बाद क्या उसके जज्बात जिंदा रहते हैं? सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं अभी और वीनू के केस के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो केस जरा अजीब सा है। ठीक है, अभी और वीनू के केस के सिलसिले में मैं चिंतामणि के गांव जा रहा हूँ, कुछ खास सबूत इकट्ठे करने हैं वहां से। ठीक है सर। सपोज करो अगर मुझे आने में देर हुई तो वहां से मिले हुए सारे एविडेंस तुम आकाश के घर जाकर दे देना। ओके सर। उसके बारे में फोन पर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। सर मैं आपके फोन का दो दिन वेट करूंगी। ओके। फोन नहीं आया तो मैं सारे एविडेंस फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके सर। मैंने सारा घर छान मारा और तुम हो कि यहाँ खड़ी हो। वो एक्चुअली डॉक्टर साहब के यहाँ से जाने के बाद मैं उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। हे, जब डॉक्टर साहब हैं तो भला हम क्यों डरें? बात वो नहीं है, उनके ट्रीटमेंट से मुझे कोई एतराज नहीं, पर उस भूत का क्या? कोई मंत्र तंत्र जानने वाला ही इसका इलाज कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों की मदद से क्यों ना हम इस भूत को भगा दें। तुमने जो भी कहा उसका मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो? सस्पेंस। जब से तुम इस सस्पेंस की बात करने लगे हो तब से ये पूरा घर सस्पेंस से भर गया है। पर इस बार देख लेना, ये जो सस्पेंस है ना ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा ही होना चाहिए। आओ। बात नहीं मानोगे? चलो। मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। आओ ना, माँ बुला रही है। मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। अभी आओ ना, माँ बुला रही है। चलो ना अभी। ना, मैं नहीं आऊंगा। Thank you.
अभी विनु यहाँ देखो ना। Thank you.
हे, मुझे यहाँ आकर कितनी देर हो गई? कितनी देर हुई पता है तुम्हें? तुम दोनों मेरे यहाँ होते हुए कितना अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? खेल में इतने मगन हो गए तुम दोनों? तुम दोनों को ये जिंदगी बड़ी अच्छी लगने लगी है ना? ये फोटोज मैंने कॉलेज के टाइम में लिए थे। ए, क्या हुआ? अंदर से कुछ आवाज आ रही है ना? कितना प्यार करती हूँ मैं। देखते हैं। मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम दोनों इस तरह क्यों सता रहे हो? ए अभी, यहाँ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। अरे बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। किसकी थी वो आवाज? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम गूंगे बनके बैठे हो। आकाश, क्या कर रहे हो? बच्चों पर इस तरह कोई चिल्लाता है क्या? अभी वो बच्चे हैं तो शोर तो मचाएंगे ही ना। वो अगर शोर नहीं मचाएंगे तो क्या हम बड़े शोर मचाएंगे? उनके साथ खेलना तो छोड़ो, तुम उन पर चिल्ला रहे हो। छोड़ो। ए अभी, तुम दोनों अच्छे से खेलो, शोर मचाओ, एंजॉय करो, ठीक है? चलो यहाँ से, चलो। वो वहां। हाँ हाँ। देवी माँ, दरअसल वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मेरे आदमी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। 12 बजने में बहुत ही कम समय बाकी है। आधी रात तक पूजा चलती रहेगी, तब तक तुम अंदर मत आना। जैसा तुमने बताया, उस भूतनी चिंतामणि और इस जरी माँ के बीच घमासान युद्ध होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अंदर मत आना। तुम्हारे जान को खतरा है, तुम्हारी हिफाजत अब मैं करूंगी। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डरो मत। ओम काली। यही रहना। सब तैयार है ना? हाँ, सब कुछ तैयार है। आप हवन शुरू कीजिए। ओम ग्रीम ग्रीम
अभी ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? बताओ क्या बात है? अभी तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं उसे सॉल्व करूंगी। बोलो अभी। अब से आप मुझसे बात नहीं करेंगी? मैं भी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? बताओ ना बेटा, बात क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? बोलो ना अभी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा ना बात मत करिए तो मत करिए। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? बोलो ना बेटा, क्या बात है? उससे पसंद नहीं है। कुछ तो बताओ बेटा। हेलो आकाश, कैसे हो? रिपोर्ट्स आ गए क्या? डॉक्टर्स ने क्या कहा? ओह, 2 दिन में? सुपर। ठीक है ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखना, बाय। यस कम इन। एक्सक्यूज मी, आप? मैडम, मैं साइकियाट्रिस्ट जयराज की असिस्टेंट हूँ। ओ प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक कुछ लेंगे? नो थैंक यू मैम। किस सिलसिले में आप आई हैं? क्या जयराज सर ने आपसे कुछ कहा? अभी वीनू के केस के सिलसिले में सर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बाहर गए हैं। ओह, अगर उन्हें आने में देर हो जाए तो ये सारे एविडेंस आपको देने के लिए कहा है। इस सीडी में क्या है? इस केस के सिलसिले में कलेक्ट किए हुए सारे रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स हैं। ओह थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। संभल कर आकाश, आराम से ये लीजिए। अभी कैसे हो बेटा, बोलो ना। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, ये काफी है, इतना काफी है बेटा। हाय विनु। ए क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? ए तुम रो क्यों रही हो? हाँ अब तो मैं आ गया हूं ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है जानू। देखो बच्चे देख रहे हैं, रोना मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है कहा ना। रो मत, रिलैक्स, चुप हो जाओ। अगर तुम रोगी तो बच्चों को कितनी तकलीफ होगी पता है? मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। चलो बच्चों हम नीचे चलते हैं।
तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या सोच रहे हो? देख रही हूँ कि तुम दोनों का प्यार मेरे लिए कम होता जा रहा है। जिसने तुम दोनों को मुझसे दूर किया, उस आदमी को और उस डॉक्टर को और उस मंत्र तंत्र वाली को मैंने मार डाला है। मैंने तुम्हारे चाचा चाची को जिंदा क्यों रखा है पता है? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अपने चाचा चाची से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा मेरे लिए प्यार कम होता जा रहा है। जूनागढ़ जिले के विरावल गांव में चिंतामणि नाम की एक लड़की रहती थी। उसी गांव के पिछड़ी जाति के वागीश नाम के एक लड़के से उसे प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। इस बात से पूरे गांव में बहुत ही झगड़ा हुआ और तनाव फैल गया। एक दिन जब चिंतामणि अकेले अपने घर में अपने बच्चे के साथ थी। क्या हुआ बेटा, दूध चाहिए? अभी तो दूध पियाना तुमने, क्या हुआ? जी कहिए। जी मैं आपके पति का दोस्त हूँ। आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र है। वो नाइट शिफ्ट से आकर सो रहे हैं। ओ, कोई बात नहीं। अच्छा, पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? एक मिनट ठहरिए। हाँ जी। अच्छा, हो सके तो अपने पति को भी जगा दीजिएगा। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। तेरी वजह से तो सारे गांव में हमारी बदनामी हुई। तुझे तो अपनी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। नहीं मां, बच्ची को दे मुझे। नहीं मां, मेरा बच्चा। नहीं मां, मां छोड़ दो। हे हे हे, रुक, पकड़ इसको। तुम तकलीफ क्यों उठा रही हो दीदी? मैं हूं ना इसकी तो मैं।
ये तो मर गए दीदी, इसे उठा के फेंक दो। चलो बच्चे का क्या कह रहे हैं? उसका किस्सा भी खत्म कर दिया दीदी। अच्छा हुआ मर गए दोनों। और उस दिन के बाद से चिंतामणि ने अभी और वीनू को ही अपने बच्चे मान लिए। उन बच्चों के अलावा उसके लिए दुनिया में कोई और नहीं था। वो उन्हें बहुत चाहती थी और हमेशा अपने पास रखती थी। दरवाजा खोलो विनू।
बताओ ना बेटा। क्या हुआ विनु? बोलो बेटा क्या हुआ? ए? क्या हुआ बेटा? इस तरह डरी हुई क्यों? क्या हुआ विनु बताओ ना। क्या हुआ बेटा? बोलो ना विनु। रो मत। क्या हुआ? रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों डर रही हो? क्या हुआ बेटा बताओ ना, क्या बात है? अभी विनु, अभी विनु, चलो चलो यहाँ से, हम एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। अभी उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी। हाँ। चलो चलो। क्या सोच रही हो तुम? जिस तरह तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, उसी तरह इन बच्चों की जिंदगी खत्म करना चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी तुम्हें बताता हूं। अगर तुम इंसान होती ना तो मैं तुम्हें बता सकता था, लेकिन तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम तो एक भूत हो, सिर्फ एक भूत, भूत 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 भूत। आकाश, ये तुम क्या बोल रहे हो?
तुम चुप हो जाओ निशा। इसके साथ अगर ऐसी बात ना की जाए तो इसे पता नहीं चलेगा, इसलिए इसे सच बताना होगा। देखो इन बच्चों को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं इन बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। मेरी बात मानो, छोड़ दो इन बच्चों को, इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन अगर ये बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे? याद है ना कि बच्चे जब तक तुम्हारे पास थे तो ये किस तरह जी रहे थे, लेकिन हमारे पास बहुत खुश हैं। जब से हमारे साथ रह रहे हैं तब से तुमने देखा ना कितने अच्छे से इंसानों की जिंदगी बिता रहे हैं। यहां हम बच्चों की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उसे खराब करने की सोच रही हो। आखिर तुम क्या हासिल करना चाहती हो? जो जिंदगी तुम बच्चों को दे रही हो ना, वो सही नहीं है, बर्बादी है। तुम्हारे मुंह के चक्कर में इनका अच्छा नहीं होगा, सिर्फ बुरा ही होगा, बुरा 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 होगा। आज मैंने तुम्हें सच का आईना दिखा दिया। तुमने 3 लोगों को मार दिया ना, मैं 2 लोगों को और मारने वाला हूं। वो कौन है पता है तुम्हें? अभी जब इन्हें मार दूंगा ना तो ये भी तुम्हारी तरह बन जाएंगे, इंसानों की जिंदगी छोड़ देंगे और भूत की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। उसके बाद तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम सब खुश रहना, तुम तीनों भूत की जिंदगी जीना। आकाश छोड़ो इन दोनों को। ये देखो चिंतामणि, जैसा आकाश ने कहा, तुम कोई भूत नहीं हो, तुम इनकी सच्ची माँ हो। तुमने इन दोनों बच्चों को जिंदगी दी, माँ का प्यार भी दिया। तुम सचमुच महान हो। तुम्हारा बच्चा तुमसे छीना गया, मुझे इस दर्द का एहसास है। तुम्हारे बच्चे की मौत के बाद भी तुमने इन दोनों बच्चों की जो देखभाल की है, यही है सच्चा प्यार। तुम्हारे बच्चे ना होने के बाद भी तुमने उनका ध्यान रखा, यहाँ तक कि अपना दूध भी पिलाया, हर पल उनकी रक्षा की। एक माँ के अलावा ये भला कौन कर सकता है? कोई भी नहीं ना। इट्स ग्रेट। इन बच्चों से तुम्हें प्यार क्यों है उन्हें अच्छे से पता है। मैं इसे गलत नहीं कहूंगी, पर इनके फ्यूचर के लिए ये गलत है। इन बच्चों को प्यार करने के लिए, इन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए इन दोनों बच्चों का इंसानों की तरह जीना बहुत जरूरी है, और यही नियति है। इन 5 सालों में तुमने बच्चों को जान से ज्यादा चाहा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पर अब बच्चों की खातिर, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। भगवान के लिए बच्चे मुझे सौंप दो, प्लीज प्लीज मुझे सौंप दो, प्लीज। ये लो चिंतामणि, ये तुम्हारा बच्चा है। तुमने जो तकलीफ लेकर इन्हें संभाला है, मैं भी उन्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। ये मेरा सिर्फ वादा नहीं, ये मेरी कसम है, तुम्हारे मरे हुए बच्चे की कसम। Thank you.
एक मिनट रुक जाओ। हमने तुम्हें भूत समझकर धुतकारा हो तो हमें माफ कर देना। दूसरों की नजरों में भले ही तुम भूत साबित हो जाओ, लेकिन हमारी नजरों में तो तुम ग्राम देवता के समान हो।